Hello, students. Welcome to this lecture, which we are conducting as part of the series of history of English literature lectures. Uh, last time we spoke about the Victorian period, which was an extremely long and politically stable period of literature and had uh, great uh, writers like Dickens, like Hardy. And like George Eliot, the Bronte sisters, Tennyson and Browning, Matthew Arnold, and Thomas Carlyle. So, we have already discussed um, how the novel was so prominent during the Victorian age. And it was the age of the novel and prose, despite the fact that very important poets like Tennyson Browning and Matthew Arnold were part of the Victorian era. Yet, it is known for this. It's wonderful, prolific novel writing by Thackeray, by Dickens, by Hardy, by George Eliot, and others. But uh, with the death of Queen Victoria in 1901, things changed uh, quite a bit. I mean, uh, it was a complete, almost a complete break from the Victorian period. And then we call it the modern period. After that, this is the modern period in literature or modernism in literature and uh, literature of the modern period. Why is it called modern? Because modern uh, is a term which could have been used for any period uh, during uh, its own time, and every period must be thinking that they they are modern they are more modern than the earlier periods and they definitely thought that also <coughs> they were more updated they were more new they were unique in their own way and they had new ideas so they were more modern than the previous period but here the name of the period is modern period and the name has been given in such a way that it has stuck and Till today, that period from around 1900 to 1950, that is called the modern period in English literature, and it is very important. Why? Because it includes the two great wars World War I and World War II. Both the wars took place within this span of history. और ये जो दो बड़े वॉर्स थे वर्ल्ड वॉर वन पहले 1914 से 1918 तक और दूसरा वर्ल्ड वॉर टू वो जो 1939 से स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड वॉर्स जो थे वो पहली बार देखा गया इस तरह का वॉर पहले कभी हुआ नहीं था जैसे 1914 में जब स्टार्ट हुआ तो पूरा जो पूरा वर्ल्ड एक शॉक में आ गया एंड जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर को वर्ल्ड वॉर वन ने इम्पैक्ट किया वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है इस मॉडर्न पीरियड में क्योंकि वो जो एक शॉक था एक ज़बरदस्त धक्का लगा एवरीथिंग वाज़ शैटर्ड

और जैसे कि हेमिंग थे जैसे कि कुछ और पोइट्स भी थे जो बाद में वॉर पोइट्स कहलाए उन्होंने वॉर को देख के और उस पर पोइट्री लिखी तो ये जो एक पीरियड था 1901 से 1910 तक तो एडवर्डियन पीरियड था और उसके बाद जॉर्जियन। तो जॉर्जियन और एडवर्डियन इतना नहीं कहलाता जितना कि ये मॉडर्न पीरियड ही सारे ये जो इतने सारे वर्ष हैं तकरीबन नाइनटीन फिफ्टी तक कई लोग तो सिक्सटी तक भी नाइनटीन सिक्सटी तक भी मॉडर्निज्म को मानते हैं कि मॉडर्निज्म का पीरियडाइजेशन है नाइनटीन हंड्रेड से नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी तक जो कि ओवरलैप करेगा पोस्ट मॉडर्निज्म से क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो था वो 1945 फाइव में वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट होके वो चलता रहा पोस्ट मॉडर्निज़्म तो एक ऐसा पीरियड uh, आता है जिसमें मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग पीरियड आ जाता है बट पोस्ट मॉडर्निज़म हैज़ स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड इंक्लूडेड द वर्ल्ड वॉर वन कैरीड ऑन टिल वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो एंड बियॉन्ड दैट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स सो दिस पीरियडाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर्स टू रिमेम्बर बिकॉज ये जो पूरी ट्वेंटी एथ सेंचुरी है दैट मीन्स नाइनटीन हंड्रेड से जो स्टार्ट हुआ ये ट्वेंटी एथ सेंचुरी ये पूरी ट्वेंटी एथ सेंचुरी कवर uh, होती है पोस्ट मॉडर्निज्म जो बाद में आता है और मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म पहले आता है पहले पचास साल आप सोच लो कि ये मॉडर्निज़्म है और जो दूसरे पचास साल हैं ट्वेंटी सेंचुरी के वो ऑलमोस्ट पूरे ही पोस्ट मॉडर्निज़्म में चलते गिने जाते हैं बट इट इज़ बिलीव्ड दैट बाय द अर्ली नाइनटीन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो स्टेल हो चुका था और वो काफ़ी पुराना माने जाने लगा और uh, उसको थोड़ा फेड होते हुए देखा जाता है एंड देन वी हैव पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म विच इज़ कैरिंग ऑन इवन नाउ सो मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म विच पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म इज फ्रॉम द अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर द पीरियड पीरियडाइजेशन ऑफ मॉडर्निज़्म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म स्पेशली तो मॉडर्निज़्म में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है तो इसमें जो मेन फीचर्स ये थे इसके कि पूरा जो इस्टेब्लिश्ड सिस्टम था उसका ब्रेकडाउन हो गया था देर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ द अर्लियर सिस्टम लोगों को किसी चीज़ पे भी फ़ेथ नहीं रह गया था ना पॉलिटिक्स पे ना रिलीजन पे ना उनको ह्यूमनिज्म पे कोई फेथ रह गया था बिकॉज़ वॉर देखने के बाद आ, लोगों को राइटर्स को इस बात में कोई विश्वास नहीं रह गया था गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, इतना डैमेज हुआ इतना डेवर्स्टेशन हुआ उस वॉर से वर्ल्ड वॉर वन से कि ऑल द लिटरेचर ट इंटू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड एवरी थिंग वॉज रिटर्न फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू पहले की कोई चीज़ जैसे कोई सर्टेंटी नहीं थी कोई इस तरह का चीज़ नहीं थी टू फॉल बैक अपॉन एवरीथिंग वॉज वेरी फुल ऑफ पैनिक एप्रिहेंशन जैसे पहले वर्ल्ड वॉर वन हुआ पहले उसके आफ्टर इफेक्ट्स सब झेले लोगों ने और जो आफ्टर इफेक्ट्स झेलते झेलते उनको एप्रीहेंशन होने लगा दैट एक और वॉर आने वाली है और वो वाकई आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड टेन इयर्स ट्वें नो अराउंड ट्वेंटी इयर्स इट स्टार्टेड सो ट्वेंटी इयर्स गैप जो था uh, उसमें भी uh, कोई uh, वो नहीं था स्टेबिलिटी नहीं थी रेस्टलेसनेस बहुत थी कि ये वॉर फिर से आएगी इस तरह की तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती बनी रहती थी लिटरेचर में भी लाइफ में भी और विक्टोरियन जितनी भी ट्रेडिशंस थी विक्टोरियन ट्रेडिशंस को ये मॉडर्न राइटर्स जो थे ये मानते थे कि वो आर्टिफिशियल थी सिली थी स्टूपिड थी हिपोक्रिटिकल थी और उनकी सारी बातें उनके सारे जो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ था जो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे मॉडर्न राइटर्स वो नहीं करना चाहते थे वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे चैलेंज करते थे और विक्टोरियन पीरियड को वो मानते थे कि वो बहुत ही आर्टिफिशियल रहा और सुपरफिशियल रहा डेप्थ में नहीं गया किसी चीज़ की किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करा किसी चीज़ को प्रॉपरली डिस्कस नहीं करा एनालाइज नहीं करा तो वो विक्टोरियन पीरियड के अगेंस्ट अपने को एक रिएक्शन मान के चल रहे थे मॉडर्निज्म जो था मॉडर्न राइटर्स वो विक्टोरियन राइटर्स की ना तो स्टाइल को फॉलो करते थे ना उनके सब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहे थे हर एक चीज़ एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मॉडर्न राइटर्स और ऑब्वियसली विक्टोरियन एज वॉज़ वेरी पीसफुल एंड स्टेबल और उसमें कोई भी इस तरह का वर्ल्ड वॉर के जिस तरह का इवेंट अब हुआ था वो उस एज में कभी नहीं हुआ था तो ये जॉर्जियन पीरियड में हुआ वर्ल्ड वॉर वन तो उसके पहले इंग्लैंड ने इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं देखा था तो वर्ल्ड वॉर वन के जो इम्पैक्ट हुए वो मॉडर्न राइटर्स पे ही हुए और बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई जैसे कि स्टडी ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी की जो स्टडी थी वो पहले कभी हुई नहीं इस तरह जैसे कि मॉडर्न पीरियड में हुई न्यू थिंकिंग न्यू आइडियाज़ एनालिसिस सारे पुराने ट्रेडिशंस को तोड़ के आगे बढ़ने का जो था एक स्पिरिट दैट वॉज़ सीन इन मॉडर्न पीरियड तो मॉडर्न पीरियड का जो लिटरेचर था वो अफेक्ट हुआ वॉर से वो अफेक्ट हुआ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी से नई नई जो थियोरीज आई लाइक सिगमन फ्रॉय लाइक विलियम जेम्स हु वॉज द ब्रदर ऑफ़ हेनरी जेम्स द फेमस अमेरिकन नावलिस्ट विलियम जेम्स ने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी सिगमेंट फ्रॉय ने लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स And um, Henry Kijo theory thi of uh, time, and uh, then there was uh, the belief that uh, you know it's not only the um, conscious mind, like, especially Freud, he said that uh, there was uh, this conscious mind was just a tip of the iceberg of the complete human mind. There was so much of uh, subconscious and unconscious elements. there are so, so many of those elements and the human mind is made up of conscious, subconscious, unconscious minds and also the role of memory. It was studied very deeply. So all these uh, theories and then, then of course the and of course Nietzsche had already pronounced that God is dead. Because now this world is such a world where there is no God, God has died, and the human beings are completely lost, they are in wilderness, and uh, nobody to guide them to protect them. So, this sense of uh, you know living in a completely uh, godless world that had also started, and we could see that in the writings of the मॉडर्न राइटर्स तो एक ही बिलीव था कि जो अपने पे ही डिपेंड कर सकता है इंसान और बाहर उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर वो डिपेंड करेगा जिसका सहारा लेगा रिलीजन का पॉलिटिक्स का ह्यूमैनिटी का किसी का भी नहीं तो सोसाइटी से फिर जो फोकस चला गया वो इंडिविजुअल पे चला गया पहले हमने देखा कि विक्टोरियन ऐज में सोसाइटी वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड एवरी थिंग वॉज स्टडीड इन कनेक्शन विद सोसाइटी सोशल नॉवल्स थे एंड पोलिटिकल थिंग्स वॉर अफेक्टिंग द रइटिंग्स बट नाउ ऑल दैट इज गॉन एंड नाउ दे द मॉर्डर्न रील दैट एक हर एक सिंगल इंडिविजुअल जो है जो उसका इनर वर्ल्ड है जो उसका माइंड के अंदर जो चलता है वो ही सब सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट है वो फीलिंग्स वो थॉट्स, बट uh, बाहर की जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट उनकी लिटरेचर में नहीं है सो इनर वर्ल्ड जो है वो मॉडर्न राइटर्स के लिटरेचर uh, में इनर वर्ल्ड बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आदमी के थाट्स कैसे चलती है दिन भर तो इसको हमने देखा न, जैसे विलियम जेम्स ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है एक ह्यूमन की अवेयरनेस है उसकी कॉन्शियसनेस है उसमें दिन रात ये जो ख्याल चलते हैं थॉट्स चलते हैं माइंड में हमारे जैसे कि हम कहीं भी हैं और हमेशा हमारा माइंड में कुछ थॉट्स चलते रहते हैं हमेशा कभी वो खाली नहीं खाली नहीं रहता एक स्ट्रीम बहती रहती है हमारी कॉन्शियसनेस में जिस स्ट्रीम में पास्ट के एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट के एलिमेंट्स हैं फ्यूचर के एलिमेंट्स हैं तो वो एक स्ट्रीम की तरह वो एलिमेंट्स चलते रहते हैं और दिन भर में हम हज़ारों लाखों मोमेंट्स में इतनी थॉट्स होती हैं वो सारी मिक्स हो जाती हैं हमारे माइंड में ऐसा नहीं है कि उसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स बने हैं कि इतनी देर तक पास्ट के बारे में थॉट्स आ रही हैं इतनी देर तक प्रेजेंट के बारे में थॉट्स आ रही हैं तो ऐसा नहीं होता सारी तरह की थॉट्स हर एक इंसान के माइंड में पूरा दिन चलती हैं तो उसने ये थ्योरी दी कि वो जो स्ट्रीम है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को मिक्स करके चलती है तो उसका जो यूज़ uh, करा राइटर्स ने जो दो तीन बहुत फेमस राइटर्स नावलिस्ट हैं जिन्होंने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट लेके विलियम जेम्स से उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल्स लिखे हैं डॉरेथी रिचर्डसन जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वोल्व दीज द थ्री राइटर्स

दिस बुक वॉज़ वेरी स्पेशल पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं गया था कि हमारे थाट्स कैसे होती हैं इनसाइड थाट्स कैसे होते हैं इसी से रिलेटेड है हेनरी बर्गसन की थ्योरी ऑफ टाइम उसकी थ्योरी ऑफ टाइम क्या है उसने बोला कि जो एक क्लॉक टाइम होता है क्लॉक टाइम जो क्लॉक दिखाती है बाहर हमारा एक्सटीरियर एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्लाक टाइम से सब चीज़ें चलती हैं लेकिन जो हमारे माइंड में जो टाइम चलता है वो क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं चलता क्रोनोलॉजिकल नहीं चलती हमारी थॉट्स और सीक्वेंस नहीं होता उनका कोई एक इस तरह का लीनियर सीक्वेंस नहीं होता कि पहले हम पास्ट के बारे में सोचेंगे इतनी देर फिर हम प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे फिर हम फ्यूचर के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता सो so, जो इनर टाइम होता ड्यूरी जो उसने बोला हेनरी बर्गसन ने ही वॉज द वन Who brought this to light? And he said, Yes, you cannot conduct your inner emotions and thoughts according to the clock time. So clock time. Sab se uh, among the very famous novels of Virginia Woolf, uh, which is based on stream of consciousness, that is called Mrs. Dalloway. So Mrs. Dalloway's novel Usme. जो प्रोटैगनिस्ट है मिसेस डालोवे उसकी लाइफ का एक दिन पोट्री करा है एक दिन सुबह से रात तक मिसेस डालोवे क्या करती है उस दिन को तो बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उसकी लाइफ में वो अलग हैं सुबह से फिर दोपहर होती है फिर शाम होती है फिर रात होती है तो वो एक क्लॉक टाइम चलता रहता बिग बैन जो इंग्लैंड की बिग बैन क्लॉक है वो हमेशा वो दिखाती है टाइम बाय द बेल्स उसकी जो चाइम्स हैं तो वो बाहर से हम देखते हैं कि चाइम्स हो गई अब बारह बज गए एक बज गया अब वो क्या कर रही है डालोवे मिसेस डालोवे क्या कर रही है बट इनसाइड हर माइंड दिस स्ट्रीम इज़ कैरिंग ऑन ऑफ कॉन्शियसनेस और उसमें हम उसके पास में जाते हैं उसकी मेमोरीज में जाते हैं वो जब छोटी थी पेरेंट्स के पास रहती थी तब क्या करती थी फिर बड़ी हुई फिर उसके कौन से फ्रेंड्स थे तो वो सारी चीज़ें सोचती चली जा रही है उस नावल में सुबह से रात तक बाहर तो कुछ कुछ कर रही है वो शॉपिंग कर रही है पार्टी है उसके घर में पार्टी की प्रेपरेशन कर रही है अपनी डॉटर से मिल रही है कभी अपने हस्बैंड से मिल रही है कभी उसका ओल्ड लवर आता है इंडिया से वो मिलने आता है कभी कुछ कर रही कभी कुछ कभी मेड को कुछ कह रही है लेकिन उस वक्त जब बाहर वो सारी एक्टिविटी हो रही है अंदर क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो हमें उसकी पूरी लाइफ के बारे में बताती हैं चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही हैं सो so, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अंदर चल रही है बाहर की जो इवेंट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है उस नावल में तो वो जो मॉडर्न नावल है उसमें प्लॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता प्लॉट क्या है स्टोरी क्या है मेनली उसमें रहता दीज था ऑफ अ कैरेक्टर, एंड दे आर द वंस दैट गवर्न द प्लॉट ऑल्सो द थाट्स गवर्न द प्लॉट दिस इज नॉट लाइक द विक्टोरियन नॉवल और लाइक द नोवेल ऑफ द लाइक जेन ऑस्टन नॉवल्स लाइक जॉर्ज एलिय नॉवल्स आई मीन इट डजेंट अ प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है नॉवल में मॉडर्न नावल में लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है वो uh, कभी पास में जाता है कभी प्रेजेंट में आता है कभी फ्यूचर में जाता है सो इट इज़ फुल ऑफ फ्लैशबैक्स एंड फ्लैश फॉरवर्ड्स ऑल्सो सो दिस काइंड ऑफ चेंज इन टेक्निक दैट वॉज ब्रॉट अबाउट बाई द मॉडर्न राइटर्स तो वो सिर्फ सब्जेक्ट ही उनके डिफरेंट नहीं थे उनकी टेक्निक भी पूरी चेंज हो चुकी थी विक्टोरियन एरा से और उससे पहले रोमांटिक एरा से तो उन नावल्स की टेक्निक इतनी इतनी चेंज हो गई थी कि कुछ वक्त तक शायद रीडर्स को भी टाइम लगा होगा समझने में कि ये क्या है ये इंटीरियर मोनोलॉग क्या है एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक इंटीरियर मोनोलॉग भी चलता है जो कि हम देखते हैं जेम्स जॉयस के नावल पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अंग मैन फिर जेम्स जॉयस का एक यूलिस आया नॉवल जो कि अगेन इट शोज वन डे इन द लाइफ ऑफ लियोपोल ब्लूम कैरेक्टर एंड इट इज दिस नॉवल इज़ सपोज टू बी अ पेरिडी ऑफ होमर्स ऑडिसी एंड हाउ जेम्स जॉयस हु वाज एन आयरिश आयरिश राइटर ही ब्रॉट इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन यूलिस And even today, Ulysses is regarded as one of the greatest modern uh, novels, along with Mrs. Dalloway, which was, and uh, Virginia Woolf had been uh, kind of affected, influenced by this novel, Ulysses. And then she wrote Mrs. Dalloway. So, it is uh, the novelty of this technique which uh, fascinated the writers like even uh, D. H. Lawrence, the great novelist of this period, he was also influenced by uh, this stream of consciousness concept. And although his, his famous novel, Sons and Lovers, that is uh, quite in the traditional mode, a traditional narrative, but the thoughts and the treatment are quite different from the Victorian novel. But that is the closest. Uh, among his works that is the closest which is to the traditional novel otherwise his novels are also very uh, different and unique and they have their own style and themes and especially the themes of physical relationships and dh lawrence was quite candid uh, about uh, like james joyce also like uh, describing physical uh, physical love, and uh, that is why you know his books. Uh, he found it difficult to get publishers for his books, and even after they were published, sometimes they were banned. Like Lady Chatterley's Lover was banned because it was too obviously physical and. Described love relationships at the physical level because uh, Lawrence always said that he believed more in uh, the blood and flesh rather than the intellect, and he had more faith in intuition than in reason. So he says that he had a belief in the blood, that is, he we call it uh, his religion of blood. Sons and Lovers uh, of D.H. Lawrence that is considered to be uh, a kind of masterpiece and उसमें जो end है वो open है open ended novels modern period से ही start हुए जिसमें के जो uh, end है conclusion है novel का वो fixed नहीं है कि uh, final नहीं है conclusive नहीं है आपको नहीं पता चलता उसमें कि उसके बाद क्या हुआ होगा उस character के साथ वो चलता जा रहा है रात की एक सड़क पे जा रहा है रात की उसकी रोशनियाँ दिख रही शहर की और वो उसमें खो जाता है तो आप ये नहीं जान पाते कि किप्पली एवर आफ्टर हुआ जैसे पहले के नॉवेल्स में था या क्या वो मर गया या कुछ इस तरह का डेफिनेट कुछ भी नहीं होता था ओपन एंडेड नॉवेल्स में और वही सनज लवर्स का एक कंक्लूजन है जो कि रीडर पे छोड़ देता है रीडर्स अपने आप सोचे कि इसके बाद उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ होगा सो सानजन लवर्स इज़ सपोज टू बी वन ऑफ़ द मास्टर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर वजीन वुल्फ के नॉवेल्स जो थे टू द लाइट हाउस मिसेस डैलोवे सो ये भी मॉडर्न uh, नावल के बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है भी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ ये हुई थी मॉडर्न एरा में मॉडर्न पीरियड में कि सिर्फ़ इंग्लैंड के राइटर्स ही इसमें नई फीचर करते इसमें बाहर के राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते थे अमेरिकन आयरिश वज़ आयरलैंड वज पार्ट ऑफ इंग्लैंड बट आयरिश राइटर्स दे हैड अ डिफरेंट सेंसिबिलिटी जैसे पोलिश जैसे जोजफ़ कॉन्राड जो थे वो पोलिश राइटर थे और आके इंग्लैंड में उन्होंने आके इंग्लिश सीखी और उसके बाद वो इंग्लिश के इतने बड़े नावलिस्ट माने जाते हैं तो अलग अलग कंट्रीज से और अमेरिकन तो बहुत ही लिख रहे थे इंग्लिश में और अमेरिकन लिटरेचर एक बहुत इम्पॉटेंट पार्ट हो गया इंग्लिश लिटरेचर का और वो मॉडर्न पीरियड में ही स्टार्ट हुआ ये सारे डेवलपमेंट तो इंडिया के भी राइटर्स उन उस पीरियड में जो इंग्लिश में शुरू जिन्होंने किया था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जिसे हम कहते हैं आज तो उस वक्त उसको कलोनील राइटिंग माना जाता था कलोनियल लिटरेचर तो अब उसको हम कहना चाहें या ना कहना चाहें कलोनील बिकॉज अब वो कॉलोनी तब थी उसके बाद वो कॉलोनी नहीं रही इंग्लैंड की और फिर उसको बाद में पोस्ट कलोनील भी कहा जाने लग गया सो राइटर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर लाइक आर के नारायण मल्खराज आनंद एंड राव दे वर द अर्लीस्ट राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम इंडिया तो इन सब का आपस में इंटरक्शन था ये लोग बाहर जाते थे वहाँ रहते थे वहाँ पढ़ाते थे यूनिवर्सिटीज़ uh, में अमेरिका में इंग्लैंड में तो हम सब जानते हैं कि विलियम बटलर येड्स जो फेमस आयरिश पोइट थे इस एरा के वो टैगोर के फ्रेंड थे तो इस तरह और वो इंडियन फलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस थे सो देर वॉज़ अ ग्रेट इंटरेक्शन बिटवीन राइटर्स हु आर राइटिंग इन इंग्लिश बट हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस टू दिस वास्ट लिटरेचर कॉल्ड मॉडर्न लिटरेचर लिटरेचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड सो एक बहुत रिचनेस इसमें आई बाहर के राइटर्स के लिखने से बिकॉज उनकी एक अलग तरह की अप्रोच देखी गई और जो टी एस एलियट जो सबसे बड़े पिलर्स में से एक माने जाते हैं मॉडर्निज्म के वो तो खुद ही अमेरिकन थे टी एस एलियट और अमेरिकन थे मगर वो इंग्लैंड में सेटल हो गए थे तो एजरा पाउंड थे एंड एजरा पाउंड भी अमेरिकन थे तो एजरा पाउंड और टी एस एलियट इस एरा की पोइट्री के सबसे बड़े दो नाम हैं जो कि एक्चुअली देवर ओरिजिनली अमेरिकनस एंड बाकी जो आयरिश राइटर्स इस एरा में हम देखते हैं जेम्स जॉयस जॉर्ज बर्नड शॉ विलियम बटलर येट्स ये सब आयरिश राइटर्स थे और इनकी जो वर्क्स हैं जॉर्ज बर्नड शॉ के ड्रामास और विलियम बटलर येट्स की पोइट्री And then you have, uh, of course, J.M. Singe also, who was a very famous playwright. So these Irish writers, they contributed greatly to uh, this literature of this era. And uh, in America, you had uh, Hemingway, you had Gertrude uh, Stein, you had uh, uh, William Faulkner, you had Walt Whitman earlier and uh, you have henry james who was a very famous american novelist and then you had rudyard kipling who was an indian born english writer and he was a journalist very famous journalist also he wrote in calcutta and then his uh, uh, you know he was uh, very much uh, influenced by the indian environment and some indian concepts and his jungle book, you know, in which you have this little jungle boy called Mowgli. So, the jungle book, which has also been made into films and has been very popular, made into TV serials. Everybody knows Mowgli. So, Mowgli was basically the creation of uh, Rudyard Kipling, who also wrote the famous book called Kim, and he wrote, of course, many articles for newspapers. Uh, and uh, he was uh, he was also a great poet he was poet he was a poet also so he was a poet he was a novelist he was a journalist so rudyard kipling made quite a good contribution to the modern literature and uh, then you have uh, james joyce of course and james joyce is uh, one of the most uh, Famous uh, writers, why? Because he wrote in a very different manner from all the other novelists. He would, he would not. Uh, I mean, there's nobody you can compare him with, and he was uh, one of the giants of the modern novel, along with Dorothy Richardson, then Arnold Bennett, and about Thomas Hardy, I would like to mention that Thomas Hardy was a writer who belonged to the Victorian era in the true sense, because all his major works, all his novels were actually published during the Victorian era. And he was called a Victorian a novelist, which is quite justified, because all the novels were uh, appeared in the Victorian era. But after uh, the era passed, passed, he was still alive till 1928. So, he is also considered part of the modern literature, and his poetry, the Wessex poems, especially, they were all published during the modern period. But his novels were published during the Victorian period. So, to an extent, we can consider him part of the uh, modern era also. And like Gerald Manley Hopkins, his poetry was written in the Victorian era, but it was published posthumously. In the modern period, so he can also, in that way, be called part of the modern era. But uh, mainly, uh, you have and you have writers like Aldous Huxley, you have writers like Edgy Wells, Edgy Wells, who wrote science fiction, who wrote scientific novels like The Time Machine and Like The Invisible Man. So, he brought in this concept very strongly of. Uh, you know uh, how you can be in the time machine and you can travel into the past, you can travel into the future. Then the concept of the invisible man uh, who, after having some medicine, some chemical, uh, he becomes invisible and uh, absolutely nobody can see him. So, that concept of a man being there and then uh, not being seen by anybody so that was brought in by hg wells in his book the invisible man and so uh, there is uh, one more feature in modern literatures that they do not stick to any kind of morality because there is no definite uh, uh, distinction between good and evil like sometimes you really do not know there is so much of confusion uh, due to this war environment, due to the war ravaged society, that uh, there is no distinction sometimes between good and evil. So, they do not do any moralizing like the earlier novels used to do, and they just uh, portray uh, the characters in a way where you know you sometimes feel that the characters are not very heroic. In uh, Virginia Woolf's. Book Mrs. Dalloway. You have this uh, war-stricken and war-affected individual called Septimus Warren Smith, who is so shocked. He's suffering from from the trauma of war. He's suffering from shell shock, as we call it. So shell shock. Uh, many people in that time were shell shocked because they're. They had been impacted, their uh, minds had been impacted by the war. So, Septimus is one who is completely suffering. He almost becomes a lunatic due to the after effects of the war. He has been to the war and his friend has been killed there in the war. So, he cannot get over that and finally he just jumps and he jumps to his death. He commits suicide. So, these kind of uh, depressing characters, uh, war. Ravaged uh, situations and uh, psychologically unstable characters, also, we see in the modern novel. We do not have that typical image of a hero, you know, who sticks to morals and who is brave and who goes and conquers everything, and he is completely heroic. So, we do have these anti hero, uh, anti hero uh, personalities, also. So, we have to see that this was a time when the world was completely broken and everybody was trying to make sense of a broken world. And that's why T.S. Eliot's uh, famous poem, Wasteland, also shows us, you know, the way it has the, its form as well as subject. It is like a patchwork and uh, broken, and uh, you can say pieced together. So, it shows us a world which is uh, without water, without greenery, without fertility, without any hope. So, it's a complete wasteland where there is nothing will grow and there is no hope that anything will grow in that world. So, wasteland kind of echoes the mood of the uh, period and how uh, things have. Uh, stopped making any sense any longer to anybody. So, uh, this is the modern period which has lots of authors uh, Hemingway, you have uh, Hemingway also, who was an American, and then you have William Butler Yeats, you have Marcel Proust, you have T.S. Eliot, Ezra Pound, W.B. Yeats, as I told you earlier. So, all these Virginia Woolf, they have Dorothy Richardson, H.G. Wells, Arnold Bennett, and uh, you have uh, the other writers like Aldous Huxley, and they all belong to this uh, wonderful long period of around 50 years, which also included uh, Indian writers of English in its. Uh, in this period. So, it is a kind of uh, uh, huge transition from the earlier periods of literature because the world wars were seen for the first time and they were not just one but two of them in the span of those years. And two world wars, I mean, they impacted literature uh, greatly and they also saw the coming together. Of writers from many other countries who were also writing in English. So that is why this period is different from all other periods. And of course, after modernism came in post modernism, which became even more irrational because things had started becoming completely uh, meaningless by that time for some writers. So, we, we will carry on with this uh, lecture on the modern period. Uh, for the time being, this is all that we have to do. Thank you very much.